नमस्ते स्टूडेंट, टुडे वी गोइंग टू सी हाउ टू फाइंड ए क्यूब ऑफ अ नंबर यूजिंग कॉलम मेथड। सो हियर यू कैन सी हियर ऑल द डिजिट्स आर टू डिजिट नंबर, दैट मीन्स लिमिटेशन इज हियर फॉर कॉलम मेथड, यू कैन अप्लाई ओनली फॉर टू डिजिट नंबर। ओके, सो हियर लेट्स टेक फर्स्ट नंबर। नंबर इज व्हाट वी हैव हियर विद द नंबर इज 48, राइट इट 48 हियर। लेट द टेंस प्लेस डिजिट एज 4 एंड वंस प्लेस डिजिट एज बी। ओके, इट इज फिक्स, रिमेंबर। नाउ यू नीड टू मेक कॉलम फॉर विच वन, ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला, दैट इज ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर एंड बी क्यूब। ओके, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड क्यूब ऑफ ए नंबर यूजिंग कॉलम मैथड। नाउ योर ए क्यूब, दिस इज योर 4 क्यूब, 3 इंटू ए मीन्स 4 ईयर, 4 स्क्वायर इंटू बी मीन्स 8। नेक्स्ट 3 इंटू ए 4 एंड दिस इज योर बी स्क्वायर, दैट इज 8 स्क्वायर, बी क्यूब दैट इज 8 क्यूब, 4 क्यूब मीन्स 64. Now we need to multiply here 3 8 24 and 16. 24 2 in your hand, 4 2. We have here 384. Next 12 into 64. 12 into 64. 8 4 12 7. We are getting here 7 6 8 and next is 512, 8 cube. The same method what we're going to take here, unit number we're going to choose here 2, rest means 51 will send this side and we'll add with the number. So here we are 9 1 8. Out of this we'll take again unit digit number and rest will send this side for addition. 81 5 6 4. So here we are getting 5 and 46 will be this side. Now you add it, whatever we are getting we'll take all the thing here. So we are getting here 110. Therefore 48 cube equals to what? 110592. This is your answer. I hope you have understood. Rest is your homework. Try by yourself. Okay, thank you.